तो आज मैं आया हूँ नागपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर बिना संगम के स्थान पे, जो कि एक तीर्थ स्थल भी है, देवस्थान भी है, और इसका इतिहास बहुत पुराना है। लगभग आज से 100-150 साल पहले की बात है, उसे भी बहुत पुराना है, लेकिन जब से लोगों में प्रचलित आया है तब से मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे दो ऐतिहासिक मंदिर आपको दिखाई देंगे राइट साइड में, जो कि शिवजी के मंदिर है, और एक यहाँ से 1 किलोमीटर दूर हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पे 3 नदी का संगम है, काफ़ी लोग यहाँ पे जो है राग विसर्जन करने आते हैं। वैसे तो ये शमशान घाट भी है, और जैसे कोलार नदी होगी, कनान नदी और पेंच नदी, 3 नदियों का यहाँ पे संगम होता है। अस्थियाँ विसर्जन के लिए भी आते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे शमशान घाट है तो लोग जलाते भी है और दफनाते भी है। तो हम यहाँ पे आपको मंदिर के दर्शन भी कराएंगे जो ऐतिहासिक है, और एक मंदिर यहाँ पे बाद में बनाया हुआ है, जो कि नागपुर के कॉलेज के लेक्चरर थे, उन्होंने अपने पैसे से बनाया मंदिर, वो भी है, लेकिन उस मंदिर में फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो वो आपको यहाँ पे आके ही दर्शन करना होगा। बहुत ही अद्भुत मंदिर है, पूरे देवी देवता आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, साथ ही साथ ऐसा शिवलिंग है जो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी नहीं है। एक चीज़ गाइज, यहाँ पे जो इतिहास है उसमें दिलचस्प एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी पुजारी या पंडित या कोई भी साधु संत यहाँ पे टिक नहीं पाता था, बिकॉज यहाँ पे भूत प्रेत का काफ़ी निवास जो है होता था, क्योंकि ये जैसे नदी है तो यहाँ पे बहुत लोग पिकनिक मनाने आते थे, बहुत लोग इसमें मर चुके हैं, काफ़ी सारी डेथ हुई है, अभी कुछ साल पहले भी यहाँ से बहुत जो है डेथ वगैरह जाती थी। लेकिन मंदिर में एक नेपाल से यहाँ पर व्यक्ति आए जिन्होंने यहाँ पे ही रहा और यहीं पे जो है पूजा पाठ की और यहाँ पे उन्होंने वास किया, तब से उनकी कुछ सिद्धियाँ बोल सकते हैं या फिर कुछ, तो उनके पहले के काफ़ी सारे पंडित तो यहाँ से भाग गए क्योंकि भूत प्रेत ने बहुत परेशान किया, लेकिन वो टिके रहे और वो लगभग 1981 में यहाँ पर आए थे और आज भी मौजूद है। उनकी उम्र तो 100 साल से भी ऊपर की हो गई ऐसा बोलते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा अभी, वो यहाँ पर मौजूद है, और इतने साल के होने के बुजुर्ग होने के बावजूद भी बिना चश्मे के पूरी किताब पढ़ लेते, तो उनको मैं आपको दिखाऊंगा गाइस। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें उन्हीं के दर्शन हो जाएंगे जो नेपाल से आए हुए हैं। आप देख सकते हो कि इतने बुजुर्ग होने के बाद भी इन्हें पढ़ने की कितनी लगन है, एक पास में लाइट जला कर जो है पढ़ते भी आपको दिखाई देंगे, और ये किसी से बात नहीं करते, ये एकांत में रहते हैं, काफी बुजुर्ग हो चुके हैं। ये उस टाइम से है जब यहाँ पे कोई भी नहीं भटकता था, और रात में तो किसी के रुकने की हिम्मत भी नहीं होती थी, रात में वैसे भी भूत वगैरह रहते थे, और तब से ये रहते हैं। सबसे पहले हमें ये एक शिवजी का मंदिर दिखाई देता है, तो चलिए अंदर प्रवेश करते हैं। बहुत ही ऐतिहासिक और पुराना है, भोसलेकालीन है, और अभी भी यहाँ प्रॉपर्टी जो है ना ही गवर्नमेंट में है और ना ही पुरातत्व विभाग के अंडर में, ये भोसलेकालीन जो उनके वंशज है उन्हीं के अंडर में प्रॉपर्टी अभी भी आती है। तो यहाँ पे हमें गणेश जी, नाग देवता और दुर्गा देवी के भी दर्शन हो जाएंगे। उसके बाद कुछ और आगे बढ़ेंगे तो और एक दूसरा शिव जी का मंदिर दिखाई देगा, जिसके ऊपर की बनावट आप देख सकते हो, पत्थर से ही पूरा स्ट्रक्चर निर्माण किया गया, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, और लगभग ये भी 150 साल पुराना मंदिर बताया जाता है। तो भोसले जी की फोटो यहाँ पे आपको दिखाई देती है, साथ में नंदी जी विराजमान है, और जैसे अंदर प्रवेश करेंगे तो हमें सेम वैसे ही शिव जी दिखाई देंगे जो कि पहले शिव जी के मंदिर में था। और यहाँ पे ये एक मंदिर है, विश्व का एकमात्र अलौकिक महामुक्तेश्वर धाम मंदिर, और ये यहाँ पे भी आप आके दर्शन कर सकते हो गाइस। बहुत लोग आते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि बिना संगम में मंदिर के दर्शन भी करने हैं, वो अस्थियाँ विसर्जन करते हैं, खाते हैं, पीते हैं और निकल जाते हैं। तो गाइस अभी हमने शूट किया और अभी और हम जाने वाले हैं एक बजरंगबली का मंदिर, जो कि बहुत ही जागृत मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर है। लेकिन अभी जाने से पहले अभी बहुत गर्मी हो गई, धूप भी लग गई है, तो हमने सोचा कि चलो कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको खाने में एक ही आइटम मिलने वाला है, एक भाकर, झुमका भाकर जो बोलते हैं, साथ में भरते का बैंगन का भरीत है, और अचार और मिर्ची की चटनी। ये हम फटाफट फिनिश करते हैं, फिर चलते हैं हम बजरंगबली के मंदिर, और नदी का भी संगम जो है वो भी हम आपको दिखाएंगे। गाइस अभी हम लोग आए हैं बिना संगम नदी पे, जो कि 3 नदियों का संगम है, कोलार है, पेंच है और एक नदी है यहाँ पे। तो इधर में आप देख सकते हो, इधर में अगर आप देखोगे ना तो बहुत यहाँ पे एक ये कोलाड़ी पावर प्लांट है ना, उसका यानी मटेरियल पास करने के लिए यहाँ पे बनाया हुआ है, इधर में अगर आप देखोगे। और यहाँ पे दोनों साइड में काफ़ी दुकानें लगी है, यहाँ पे एक्चुअली लोग राख ठंडी करने वगैरह के लिए आते हैं, और यहाँ पे वैसे शमशान घाट भी है, तो लोग अस्थिया विसर्जन करना और जलाना या फिर गड़ाना उसके भी लोग यहाँ पर आते हैं दूर दूर से। पूरे नागपुर के लोग बोले तो यहीं आते हैं क्योंकि नज़दीक पड़ता है नागपुर से, लगभग 30 किलोमीटर के आसपास में, और कुछ लोग फिर रामटेक तक के भी जाते हैं, रामटेक थोड़ा ज़्यादा लंबा पड़ जाता है। तो अभी इधर ही चलते हैं, और थोड़ा सा पानी वानी है देखते इधर में,
वैसे पहले ये बहुत डेंजर जगह थी, अभी थोड़ा लोगों का ज़्यादा आना जाना है तो थोड़ा ठीक है, वरना ये बहुत खतरनाक जगह थी। इधर में देख सकते हैं अभी यहाँ पे काम शुरू, आपको दिखाई देगा अभी इसका काम शुरू है और इधर से यहाँ से बनना शुरू है, पूरा ऐसा कनेक्ट होना बाकी है, इसका मटेरियल यहाँ पे आपको दिखा देगा। और काफ़ी सारे लोग इधर नदी में जो है नहा रहे हैं, राख विसर्जन कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। पानी बह रहा है, बीच में एक पुलिया जैसे बना दी है आने जाने के लिए, पाइप डाल के रखे हैं। बरसात में ये सब कुछ टिकने वाला नहीं है, अभी बरसात आने की है तब तक के ठीक है, बरसात के बाद में ये पुल वगैरह जो दिख रहा है ये सब खत्म हो जाएगा। बहता पानी है इसके लिए इसको पूरी पाइप डाल के रख दिए। वैसे नदियां जो है पहले की तरह उतनी शुद्ध तो नहीं रही है, दूषित हो गई है, कोई भी नदी आज के टाइम में शुद्ध नहीं है। इस नदी में आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ना ऐसे काफी सारे पत्थर की मूर्तियां दिखाई देंगी। अब मुझे समझ में नहीं आता कि नदियों में इतनी सारी पत्थर की मूर्ति आखिर विसर्जन कैसे की गई है, और ये एक ही नहीं है, ऐसे नदी में यहाँ पे काफी सारी ऐसी मूर्तियां दिखाई देंगी जो कि शिवलिंग है और भी बहुत सारी मूर्तियां हैं और पत्थर की बनी हुई मूर्तियां। तो इतनी सारी मूर्तियां नदी में विसर्जन पत्थर की कब की गई समझ में आता। और मूर्तियां देखोगे आप तो आपको पुरानी मूर्तियां दिखाई देंगी, जैसे ये भी देख सकते हो ये पत्थर की बनी हुई मूर्ति है ये वाली ऐसे, और काफी सारी पत्थर की मूर्तियां हैं। ये भी आप देख सकते हो, ये भी एक माता जी की पुरानी पत्थर की मूर्तियां हैं। ये कहाँ से पत्थर की मूर्तियां लाई गई है, ये लकड़ी की मूर्तियां, ये देखो शिवलिंग है यहाँ पे। इधर में ये शंकर जी की मूर्ति है, वो शिव की पिंड है, वो देवी की मूर्ति है। ये पत्थर की मूर्तियां खंडित होने के बाद शायद मुझे लगता है कि विसर्जन किए होंगे, ऐसा लगता है देख के। काफ़ी सारी मूर्तियां हैं इस नदी में, इधर में भी काफ़ी सारी मूर्तियां आपको दिखाई देंगी। यहाँ पे बहुत ऐसी मूर्तियां हैं जो लाके रखी गई है नदी में। तो चलते हैं यहाँ से अभी ऊपर, तो काफ़ी लोग यहाँ पे नहा रहे हैं लेकिन पानी इतना दूषित है कि नहाने लायक नहीं है। आज के टाइम में आप कहीं पर भी चले जाओ नदी है या आपको खराबी दिखेंगी, पूरा पानी ख़राब हो गया है, सब नाले वगैरह जोड़ दिए जाते हैं इसकी वजह से। बाकी यहाँ के पत्थर वगैरह काफ़ी अच्छे आपको दिखाई देंगे, अगर आते हो, अगर समय है आपके पास, ठंडा माहौल रहा था, यहाँ से अच्छे अच्छे पत्थर चुन के निकाल सकते हैं। सो गाइस अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से बजरंगबली के दर्शन के लिए, और यहाँ से 1 किलोमीटर जाना है खदान में से, खदान की जहाँ से मिट्टी वगैरह डंप की गई है ना, वहाँ से होते हुए हम लोग जाने वाले हैं। चलते हैं, अभी रास्ता दिखाता हूँ मैं आपको। काफ़ी सारी दुकानें हैं, लोग बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, पार्किंग भी काफ़ी बड़ी जगह है पार्किंग वार्किंग के लिए, और दुकानें काफ़ी सारी है। तो उन्होंने बताया था कहाँ से जाने के लिए, यहाँ से बोला था क्या, तो इस रास्ते से जाना है, यहाँ पे प्लास्टिंग वगैरह होते रहती है। हनुमान जी का मंदिर है, वो जाने का रास्ता यही है, इधर से ही रास्ता जाता है, यहाँ से 1 किलोमीटर के आसपास लगभग है। और देख सकते हो पूरा धूल हो गया, पूरे कोयले की राख, जो धुआं है बारूद है, बारूद जो है ना, बारूद का धुआं महसूस हो रहा है अंदर, बहुत गहरा है, लेकिन नीचे गाड़ी जाने का रास्ता बनाया हुआ है यहाँ पे, क्लियर हो रहा है तो घंटा दिख रहा है भाई। इतने कोराडी पावर प्लांट के पास में भी इतना कोयला निकलता है यहाँ पे, मालूम नहीं था। और ये तीन नदी का संगम इधर में आपको दिखा देगा। ये है वो बजरंगबली का मंदिर जो खदान के ठीक बगल में है, इस रोड से आने के बाद आपको इस तरह से दिखाई देगा, जय श्री राम। देखते हैं, तो यही वो बजरंगबली का मंदिर है जो काफ़ी पुराना मंदिर है, जिसे हम देखने के लिए आए, दर्शन करने के लिए आए। देख सकते हैं कई हजारों साल पुरानी यहाँ बजरंगबली की मूर्ति है जो यहाँ पे स्थापित की गई है। ये स्वयंभू बजरंगबली की मूर्ति है, जैसे कि नागपुर से कुछ दूरी पे जामसवाली का जो मंदिर है सेम उसी तरह यहाँ पे बजरंगबली की मूर्ति जागृत है। शिव जी का भी मंदिर है, नंदी जी आपको दिखाई देंगे। और इधर में एक शिवलिंग है जो कि बहुत पुराना है, शिवलिंग पर से यहाँ पहचान सकते हो, काफ़ी पुराना शिवलिंग स्थापित किया गया है, पत्थर आप देखिए। और यहाँ पे कोई पुजारी वैसे रहते नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोकल जो खदान के लोग वगैरह हैं वो पूजा करते हैं, और सुबह कोई पंडित आते हैं तो पूजा करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज लाते रहेंगे। गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।
Come.